साफ साफ आप देख रहे हो कितनी चढ़ रही है। कम से कम 1000 से ज्यादा बेड निकली है, बहुत चौड़ी आगे से, और ये गाड़ी फिसलने के बहुत खतरे है। एक दिन से हम नेटवर्क बिना है, मतलब ये डैम टोटल यार पानी पानी दिखेगा आपको इधर। हम यहाँ से निकले हैं, यहाँ से जाएंगे। भाई थक गया हूँ सर जी, लिटरली टाइड हो गया हूँ, थक गया हूँ। चलते चलते सांस देख लीजिए, काफी देर चल रहा हूँ और अब बर्फ भी पड़ रही है, मतलब बर्फ के आने के पूरे चांस से पड़ भी रही थोड़ी थोड़ी, पर मज़ा आया यार। सिटी लाइफ से दूर हो गए थे भाई, अब जो हम करने वाले हैं उस पीक पे जाना है, वो सेक्सी ट्रैक रहेगा। मतलब बड़े कम लोग आएंगे इस जगह पे, मतलब 100 में से कुछ लोग, समझ गए। तो बर्फ आप देख ही रहे हो, तो निकलेंगे आगे थोड़ा और ट्रैक, क्योंकि बर्फ पड़ने वाली है और हमारा ठिकाना नीचे है। कैंपिंग करानी थी पर कैंपिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ पे होता ना गुजर बकरवाल भाइयों के शेड, वो मिल गया हमें, टोक से टोक बोलते थे इसी भाषा में, तो उसमें रोक के रात को अपना कम्बल चम्बल पिस्ता जो पिछले पिकाया रखा हुआ है खाना शाना बनाएंगे और वहीं रखेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। बस चल रहा हूँ धीरे 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 धीरे, स्पोर्ट चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। पहाड़ बहुत बड़ा है यार, ये दिखने में हमें बहुत छोटा लगा कि नहीं यार ये छोटा ट्रैक है हम चल लेंगे, बट लिटरली यार मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत गंदा ट्रैक है भाई। आया मैं लेक देखने था, पर लेक देख नहीं पाए, ये पहाड़ी चढ़ने लग गए हम। तो जो भी भाई यहाँ आना चाहे तो मेरी बफा विजिट करें, आपको अच्छा खासा सही तरह बताऊँगा कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। यार थोड़ा तकलीफ भी हुई मुझे आने में, क्योंकि सिंगल ट्रैक था, गाड़ियाँ फंस रही थी, सांस आप देख ही रहे हो कितनी चढ़ रही है, थक गए। ये देखो बर्फ, ये बर्फ है, अभी और पड़ेगी बर्फ यहाँ पे। उस बंदे ने हमें कहा नीचे जो टोक में था बकवाल भाई अपना, कि यार ऊपर नहीं आना, किसी टाइम बर्फ आ सकती है। तो मैंने कहा नहीं यार, अब आया है तो जाऊँगा ही। तो उसने एक चीज़ और बोली कि यार ऊपर जानवर है, लाइक बालू कुछ ऐसा। तो मैंने कहा यार जानवर को टेंशन नहीं है, ये हम लेके जाएंगे। Yeah,
हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, बाकी भाई ने भी पड़े थे, बाकी इस भाई ने भी चाचा ने अपनी बड़ी सेवा की है। सोच रहे थे कि ये कौन करता है यार, शहर में मजा आ गया यार, थोड़ा आराम करके रेस्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। लाओ यार देखा बंदो, देखो 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 स्टैंड, देखो स्टैंड, हमारे लड़के कोई नहीं कर सकता भैया, ऐसा स्टैंड है उसका, फिर स्टैंड देखे जाते हाँ दिखाना अपना, ये देखो ये काम करके हाथ है, कि मैंने तो याद रही कि हाथ जिससे पड़ेगा ना उठ उठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बज रहे हैं तो अभी नींद खुली है हमारी और धूप भी आई है अभी थोड़ी थोड़ी और धूप के मज़े ले रहे हैं। रात को जो इतनी ठंड थी अभी उतनी ठंड नहीं है, तो आप देख सकते हो धूप से आँखें भी खुल रही है अभी, तो रात को नींद बहुत अच्छी है हमें। और बारिश बहुत ज़्यादा हुई रात को यार, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से नींद भी अच्छी आई, ठंड थी ज़्यादा तभी। तो अभी हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे जो भी करना होगा हमें, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आज कहाँ निकलेंगे हम कहाँ नहीं, तो फिर आपको दिखाएंगे हम आगे। अगर आगे गए तो आगे वाड़मन है, दक्षिण है, मड़वा है, सुखना ही है, युर्दू है, इंचन है, हर चीज़ है, पर आगे दिखाएंगे क्या होगा। पर आपको ये पानी दिखाता हूँ पहले कि रात को बारिश से कितना ज़्यादा पानी आ गया था फ्लो में, पहाड़ों के बर्फ। अब निकलेंगे हम कुछ देर बाद, पहले हाथ में धो लेंगे अपना जो भी करना होगा, फिर उसके बाद हम निकलेंगे सीधा ही आगे या पीछे। पर मज़ा आया यार, जो यहाँ की नींद है ना, उस नींद से सुकून आया। और आज गुल चाचा से बात करेंगे। गुल चाचा सोए थे जी, कैसे मज़ा आ रहा आपको? मज़ा बहुत आता, बहुत ठंड थी रात को, आज आज रात ठंड है, तूफानी ठंड थी है ना, अपनी सुजुकी मैक्स। पहले इसको स्टार्ट करेंगे यार, देखते ना ठंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको ना। एक साल पे तो स्टार्ट नहीं हुई यार आज, ये अंदर बैठते ही है ना, एक साल पे तो स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है सेकंड में करते हैं। यार रात को माइनस था ना बेसिकली, तो माइनस में स्टार्ट ही नहीं हो रही है ना, ट्राई करें एक और, करेंगे करेंगे। होगी यार सुस, ये देख रहे यार बर्फ, इसे कहते हैं हार्ड सॉलिड, ये कहाँ मिलेगी हमें और ज़्यादा बर्फ मिलेगी अभी, ये अभी
गर्मी के मौसम में इतनी बर्फ चलती है। दाल आपने कभी नहीं खाई होगी, ये दाल चावल ये अंडा टेस्ट करना आज क्या बनाऊंगा मैं। One hour later. अपने काम दाम ही देखेंगे सर, जम्मू की कोशिश रहेगी है ना हमारी निकलेगी, देखते हैं क्या होता है, अगर रोड खुला हो तो सीधे जम्मू ही शाम को इंशाल्लाह, नहीं तो श्रीनगर स्टे करेंगे डाल वाली साइड पे या बेलगांव, ठीक है। आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है इन भेड़ बकरियों के साथ बैठे हुए, ये खत्म नहीं हो रही है, हज़ारों के हिसाब से जा चुकी हैं। और अभी अब टेंशन ये है कि ये सिंगल ट्रैक है कोई मेरे हिसाब से 6 किलोमीटर, मैं सिंगल ट्रैक है, बर्फ़ पड़ी है ना, तो मैं बैठे हैं वेट करूँ, अगर ये भेड़ निकल गई तब गाड़ी आ जाएगी, दोनों में रिस्क है भाई, तो क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं जो वेट कर रहे हैं, वेट बकरी निकले तो फिर हम निकले। मैंने उसको भेजा अपने बंदे को आगे, वो अभी जाके देखेगा, मैंने गाड़ी रुकवा ले भाई, कोई गाड़ी है तो उसको ऑन कर दे भाई, आगे पीछे हमें भी बहुत दूर है, वो साइड नहीं है, वो गाड़ी बड़ी है बेसिकली मेरी। ऐसे ही तो क्योंकि इसूज़ू बहुत चौड़ी आगे से और ये गाड़ी फिसलने के बहुत खतरे, और फिसल के जहाँ गिरेगी वो मैं जगह आपको दिखा देता हूँ, सुन रहे, रिस्क नहीं ले सकते यार, कोई जैसे भी आए तो कुछ करे तो गाड़ी निकलेगी, ऐसे अदरवाइज गाड़ी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी, ये हमारा यही थोड़ा वेट करते हैं कुछ हो जाए गर्म अल्लाह का। निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए, आंदो 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 आंदो, आगे 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 आगे, गए 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 गए, बड़ा रिश्ता, ठीक है इस रिश्ता के बंदों ने बड़ा साथ दिया अपने भाइयों ने यार, अपने भाइयों सारे भाई साहब, अभी अपने बर्फ शर्त अपने पीछे छोड़ दी है, ठीक है, दिख रहे हो आप पहाड़ पे, पहाड़े छोड़ दिए, पहाड़ पास दिखते पर दूर है काफ़ी, 20 किलोमीटर यहाँ से मैं हूँ, तो अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं नीचे के लिए श्रीनगर के लिए, श्रीनगर कश्मीर जो भी है, तो पिछले एक दिन से हम नेटवर्क बिना है, कोई नेट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, और मज़ा इतना आया ना, एयर माइंड फ्रेश हो गया, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो अभी हम निकलेंगे नीचे की तरफ श्रीनगर, पर लास्ट टाइम अपनी गाड़ी भी देखो इसी, ठीक है, काफ़ी इसको यार बकरी वगैरह है ना काफ़ी स्क्रैच वगैरह डाल दिए हैं यहाँ पर, स्क्रैच शीशे भी काफ़ी, और यार लाइट सबसे बड़ी चीज़ है, ये लाइट हमने मेरी तोड़ दी है लगी है पूरी, ठीक है, अब ये नीचे जाके हम इसको ठीक करेंगे, बट अभी निकलेंगे फिलहाल सीधा नीचे, भाई देसी देसी है हिंदवाना है वो, अच्छा ये खाने में टेस्टी है, मज़ा आ गया खा के, हमें अच्छी फील आएगी। Oh.
हम आए हैं यहाँ से डैम वाले रास्ते से, डैम साइड बोलते हैं इसको, तो मतलब खतरनाक यार। मैं आपको देख रहे हो मतलब ये डैम टोटल यार पानी पानी दिखेगा आपको। मतलब हम यहाँ से निकले हैं, यहाँ से जाएंगे हम सीधा निकल के पटौत, ठीक है। बाकी गाड़ी की बुरी हालत होगी भाई, बाकी मुझे नहीं पता गाड़ी की तो निकल गई यार, तो दम रखा इसने यार, पैसे कुछ नहीं कि नहीं समाजी बोल तो करती रहती है गाड़ियाँ। लेकिन तेरे को फिर से दिखाता हूँ डैम, यहाँ से वो पानी आता है, जैसे हम पीटर देखते हैं ना, यहाँ से वो पानी आता है मतलब नीचे। ठीक है भाई।